सभी का नितुलस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कर्ड राइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए चावल, जो इस तरह से एकदम गीला चावल चाहिए हमें, देखिए एकदम गीला होना चाहिए चावल। इसमें हम मिलाएंगे आधा कप दूध विद मलाई है, मलाई के साथ मैंने ये दूध लिया है, ये हल्का गर्म है, लू वॉर्म दूध मैंने यहाँ लिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक, कद्दूकस करके मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, और दही। फ्रेंड्स याद रखिएगा, दही हमें स्वीट दही लेना चाहिए, खट्टा वाला होगा तो टेस्ट खराब लगेगा। एक दिन पहले जमा हुआ दही ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पे इसके तड़के का तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में मैंने पैन ऑलरेडी गैस ऑन करके रखा हुआ है, इसमें मैं डालूंगी सिर्फ थोड़ा सा, एक टेबलस्पून ऑयल, इसको गर्म होने देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ एक स्पून जीरा, एक स्पून राई, छोटा सा स्पून है। इसमें मैंने मिला के रखा हुआ है चना दाल और उड़द दाल। इसको लाल होने तक ऐसे भूनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च एक, ये ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा नहीं पसंद है या फिर नहीं चाहते तो मत डालिएगा। करी लीव्स, एक सूखे दोस्तों हमारे दाल में कलर आ गया है, अभी गैस को ऑफ कर दो। फ्रेंड्स देखिए हमारी कंसिस्टेंसी कर्ड राइस के किसी इस तरह होनी चाहिए। अब मैं इसमें मिला लेती हूँ सॉल्ट हमारे स्वाद अनुसार। यस इस अच्छे से पेट लेते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारी ये कर्ड, देखिए फ्रेंड्स हमारे कर्ड राइस बनकर तैयार हो गया है। आप इसे तुरंत नहीं खाएं, आप इसे फ्रिज में 30 मिनट तक रख के ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, या फिर आपको फ्रिज में नहीं रखना है तो भी आधे घंटे बाद आप इसे सर्व करके खाइएगा। मैं इसमें इसे गार्निश कर लेती हूँ थोड़ी सी कैरेट, और अनारदाने से फ्रेंड्स हमारा कर्ड राइस बनके तैयार हो गया है। दोस्तों अगर आप पहले बार देख रहे हैं हमारे वीडियो तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मेरे हर वीडियोस के मिलते रहे। सो प्लीज ये ठंडे ठंडे कर्ड राइस एंजॉय कीजिए विथ योर फैमिली।